आई जाम मैं जाम, भीड़ में फंसी के लोगों को हीरो काम तमाम। आखा शेर को, खास करके पुराना शेर को जाता है तो ऐसो हीरो जने मकर जाल चीटी की चाल। गए धन कलेक्टर नीरज कुमार जी ने अपना ऑफिस में यातायात वाला, आरटीओ वाला, एसडीएम उन पुलिस वाला अधिकारी उनकी एक जाजम पे बैठक ली। हणी बैठक में नवो आंकड़ो सामने आयो, थम भी सुनोगा चौकी जाओगा। आखा उज्जैन में कोई 9,500 ई रिक्शा उन हुई है। उज्जैन दर्शन का चक्कर में इका बाद भी शेर वाला उनके बापड़ा उनके ई रिक्शा मिले भी नहीं। जी की जा मर्जी हुई रही वहां भर ही रही हो, वो तो उनके खूब कमाओ, एक कई 4 रिक्शा लेके आओ, पर शेर पे तो जुलम मत ढाओ। कलेक्टर ने मीटिंग में अधिकारी उनको साफ साफ कह दिया, सगड़ा ई रिक्शा उनका जोन बनाओ, एक जोन की रिक्शा दूजा जोन में नहीं जानी चाहिए। इनकी पहचान वास्ते हर जोन को एक अलग रंग फिक्स करो। इसके अलावा दौलतगंज में फमारा चौकाड़ी, इंदौर गेट, अयाड़ी जितना भी लोडिंग अनलोडिंग गाड़ी वाला भाई उन है, विंड को भी सगड़ा को टेम फिक्स हुई जाएगा। छिपरा जी का हाल पे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने अधिकारी उनका टाइट कैक करो, अबे यहाँ से भोपाल तक भागदौड़ चल्लू हुई है। भोपाल से अपर सचिव रवि चतुर्वेदी जी, राजेश कुमार कटियार जी, सीताराम टेगोर जी, देवराज त्रिपाठी जी, 4 अलग अलग विभाग का 4 अधिकारी उनकी टीम यहाँ भोपाल से उज्जैन आई। यहाँ आई के छिपरा जी देखियो, खंड नजदीक देखियो, यहाँ का अधिकारी उनके साथ बातचीत करें पाछा भोपाल लौटी गया। भाई उन कजे कई योजना बनाई के लाया था, जने कई योजना बनाएगा जो भी करे, पर खाली बस ऐसो नहीं करे जैसो पेड़ा सिंगत पेड़ा खान डाइवर्सन पाइपलाइन डाली के 1 अरब रुपया चूनो लगाया तो खैर पहला माहौल भी अलग थो। अब मुख्यमंत्री जी भी यही काज है। छिपरा शुद्धिकरण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, उस पर कार्रवाई करते हुए लगातार इसमें विभिन्न माध्यमों से असेसमेंट करवाया जा रहा है ताकि एक पुख्ता कार्य योजना बन सके। इसी के संबंध में आज भोपाल से भी एक टीम आई थी, नगरीय प्रशासन से भी आई थी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम हमने बुलाई थी, तो उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है और आज बैठक में वो अपनी पूरी कार्य योजना बताएंगे और सुझाव रखेंगे ताकि सही से कार्रवाई हो सके। एक निगह जरा अपना उज्जैन का बड़ा जच्चा बच्चा अस्पताल में भी डाली लो। सिंगत पेड़ा सख्या राजा प्रसूति गृह से यहाँ चरक भवन में आयो प्रसूति गृह। बिल्डिंग तो इतनी जबरी बनाई थी जने आखो प्रदेश में इसे बड़ा कोई जच्चा बच्चा अस्पताल नहीं हो। नाम बड़ा दर्शन कोटा, भाई बेने उनकी सोनोग्राफी तक नहीं करी पाई जाए, रोज डेली 10-20 बेने उन तो खाली यूं जाए। सरकार तरफ से एक नियम यो भी बने हो कि जिन भाई बहने उनकी सरकारी अस्पताल का मां सोनोग्राफी नहीं हुई पाए, विनकी जांच अनुबंधित प्राइवेट में भी हुई सकेगा फ्री में। अपना यहाँ से 3 सेंटर उनके अनुबंधित करवा तैयारी है, देखा सरकारी घोड़ा कितनी तेज दौड़े। हाँ, योजना का नाम है ई रूपी प्रपोजल। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इसलिए शुरू की है कि अभी जो सोनोग्राफी होती है गर्भवती माताओं की, उसकी पेंडेंसी शासकीय चिकित्सालय में बढ़ती जाती है, उनको कई कई दिन इंतजार करना पड़ता है, लेकिन गर्भवती माता ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद वो सोनोग्राफी किसी काम नहीं आएगी। तो इस उद्देश्य से कि उनकी पेंडेंसी कम हो सके, राज्य शासन ने एक योजना शुरू की, उसका नाम है ई रूपी प्रपोजल। इसमें शासकीय चिकित्सालयों में आने वाली गर्भवती माताएँ भी, यदि शासकीय चिकित्सक उनको प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर पर भेजता है तो मुफ्त में उनकी सोनोग्राफी उन सेंटर्स पर हो जाएगी। इसके लिए जो सोनोग्राफी सेंटर्स इच्छुक हैं, प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर, वो अपना सहमति पत्र भर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय उन आवेदनों को स्टेट लेवल पर भेजेगा और वहाँ से अनुबंध होने के पश्चात सोनोग्राफी सेंटर जितनी सोनोग्राफी प्रतिमाह करेगा तो 500 रुपये प्रति सोनोग्राफी, वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट सोनोग्राफी सेंटर्स को भेज देगी। गर्भवती माताओं को प्राइवेट सेंटर पर सोनोग्राफी करवाने का एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी घोड़ा उन कणी तरीका दौड़े, जरा यो एक उदाहरण और देख लो। हाउसिंग बोर्ड वाला मारा भाई इंदौर रोड पे गोयला खुर्द कण एक बड़ो मन को 111 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आया था। शिवांगी परिसर आणी परिसर की जमीन अधिग्रहण करवाक बाद यहाँ लोगों फ्लैट की बुकिंग कराई ली, कब्जा छोड़ लिया। आणी इस बीच में जने किसान को जमीन पर दावो था वो पहुंची गया हाईकोर्ट। किसान राम गोपाल जी कोर्ट का सामने एक का डिस्पैच नंबर का अपर सचिव का 2 अलग अलग लेटर उन पेश कर दिया। एक लेटर में तो सरकार का अपर सचिव जी खुद कह रहा जमीन अधिग्रहण से मुक्त हो गई है। बताओ स्टेट मिलने तो मिली क्यों? अब फजीता विंड का हो रहा है जिनने यहाँ फ्लैट बुक कराई लिया है।
रविवार सांझ उज्जैन में एक छोर चार चार बड़ा लोग आया था। राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, सगला एक साथ जाबुआ प्रधानमंत्री जी वाला कार्यक्रम में गया था। आता टेम साथे जो उज्जैन आया, यहाँ आई के राज्यपाल जी भोपाल निकली गया, मुख्यमंत्री जी यहाँ माधव सेवा न्यास का कार्यक्रम में पहुंचा, और भी दूजा कार्यक्रम उन्होंने अटेंड करिया ने, रात होता होता भी इंदौर होता हुआ भोपाल निकली गया। लो साहब, एक सीन पंजा कुश्ती को भी देखी लो। उज्जैन का माया गयाधन जिला स्तरीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता भाई, कोई 200 भाई बहने उनने हाथ अजमाया, जीतवा वाला उनके इनाम मिलिया, हरवा वाला उनके शाबाशी, जहाँ स्वामी मुस्कुरा के हो वहाँ कदीन छाए उदासी, हंसी मजाक मैच कजा कितरक फाइल निपटेगी। पंजा कुश्ती की टीम आपका सबूरा में बहुत बहुत स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती उज्जैन जिला पंजा कुश्ती संघ का अध्यक्ष गोपाल यादव पिछले 9 साल से पिताजी की और ताऊजी की स्मृति में इस पंजा कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केस प्राइस 51,000 रुपये है और उज्जैन जिला नागदा खाचरोद बड़नेगर से खिलाड़ी भाग लेते हैं। साजापुर जिला में काला पीपल कने का लसूड़िया मोरी गांव कने रविवार एक ट्रैक्टर ट्राली पलटी खाएगी। ट्राली में बैठी थी बरात, जानो तो लाड़ी का घर है, पहुंची गया अस्पताल। लाड़ा जी समेत कोई 15 जना उन्होंने घटना में घायल हो गया है। सगला काला पीपल वाला बड़ा अस्पताल का मैं भर्ती करायो। उज्जैन में दत्त अखाड़ा के माए रविवार पीर परमानंद जी पुरी महाराज साहब की पुण्यतिथि को आयोजन भी हो। आखा शेर का साधु संत तुण महन तुण महामंडलेश्वर उन्होंने आयोजन में शामिल हुआ ने पीर परमानंद जी पुरी महाराज साहब के नमन करियो। आणी मौका संत उनको भंडारा भी हो तो परमानंद पुरी जी महाराज हरि का साधु संत उनका तब बल से उज्जैन नगरी आखा देश में अनोखी नगरी केला है। खाली यो शेर है जहाँ न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत सर दर्शन का साधु संत उन एक साथ शोभा बढ़ाए। श्री महाकाल आज पटी गई समस्त संतोष दर्शन समाज का भंडारा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पीर परमानंद पुरी जी महाराज की आज पुण्यतिथि है, तो श्री सुंदरपुर जी महाराज पीर जी महाराज के सानिध्य में, श्री महंत आनंदपुर जी महाराज के सानिध्य में भव्य भंडारा एवं अभिषेक का आयोजन किया गया। आज प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 परमानंद पुरी जी की छठी पुण्यतिथि पर यहाँ पर साधु संत एवं ब्राह्मण का भव्य भंडारा रखा गया है। वर्तमान गाधिपति सुंदरपुरी जी के नेतृत्व में हमारे श्री महंत आनंदपुरी जी और समस्त भक्तों ने यहाँ पर बाबा के महाभंडारे में भव्य सेवा दी है। Thank you.